मैं सुबह ऊपर आया मुर्गियों को खाना खिलाने, इन्हें मैंने डाल दिया सबको दाना। तो अभी धूप नहीं निकली थी इतनी खास, यहाँ दिखर नहीं आई थी धूप, तो मैंने फिर तो सोचा कि तोते को सिर्फ खाना डाल के चला देता हूँ और कपड़ा रहने दूंगा। मैंने कपड़ा थोड़ा सा उठाया, तोता नज़र नहीं आया, तो मैंने ना फिर कपड़ा सारा उठाया, देखा कि तोता किधर गया, और तोता वो पीछे मटके में बैठा हुआ था, और वो पहली दफ़ा मटके में गया था और वो मरा हुआ। तो मुझे देख के बड़ी ना दुख हुआ कि पहले हमारी तोती मरी और अब ये तोती रह गई, तोता ही रह गया था हमारे पास और ये भी बेचारा मर गया। पता नहीं अकेला था इस वजह से मरा है या फिर कोई और मसला बना है। सर्दी से तो मैं इनकी काफ़ी सेफ्टी कर रहा था, पर वो शायद सर्दी लग गई हो क्योंकि सर्दी भी अब थोड़ी ज़्यादा होती जा रही थी। इनके लिए मैंने सारा सेटअप लगाया था, ये दो तोतों के लिए, ये मैंने मटके लगाए थे और ये साइड पे तस्वीरें वगैरह लगाई थी, झूला इनका बनाया था, और ये सारी डोली थी पहले, ये पहले सारी फालतू पड़ी हुई थी। ये लकड़ी को मैंने सारा पेंट किया और जाली जिसकी चेंज की, दरवाज़ा बनाया छोटा तोतों के लिए। लग रहा है कि जैसे तोता जिंदा, आंखें उसकी इस तरह, लेकिन वो मरा पड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, वो बड़ा प्यारा तोता था, इसके ना ये ब्लू ब्लू काफ़ी कलर थे इसमें, वो बड़ा अच्छा तोता था। ये मेरे पहले तोते थे, सबसे पहले मैंने यही तोते लिए थे, अभी तक मेरे और नहीं तोते लिए, यही थे और यही मर गए हैं, बड़ा दुख हो रहा है। पहले हमारी तोती मर गई और अब ये मर गया। और कल मैंने इसकी वजह से, मैंने कहा यार ये ना कहीं मर जाए, तो मैंने डोली को ना उठा के वहाँ से और यहाँ धूप में रख दिया था, और अभी धूप आने वाली थी, लेकिन कपड़ा मैंने इस वजह से उठाया था कि चलो मैं इसे कुछ डाल दूँ दाना, सुबह कोई खा ले। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा उठाया तो देखा तो तोता है ही नहीं बीच, तो मैंने कहा तोता किधर गया, देखा तो तोता मटके में बैठा था, क्योंकि पहले ही कभी मटके में बैठा ही नहीं है। कितना प्यारा लग रहा है, जब खेलता था तब ज़्यादा प्यारा लगता था।